हाय माय फ्रेंड्स, माय नेम इज सब्यसाची सरकार। वेलकम टू आवर टेलीकॉम जॉब न्यूज चैनल। ये हमारा एक आठवा न्यूज़ वीडियो है। तो हमारा जो न्यूज़ है आज, ये रिक्वायरमेंट है TI वेंडर टीम का एंड इन हाउस टीम का भी। प्रोजेक्ट Huawei के लिए है, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। Huawei का प्रोजेक्ट है ये। जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका रिक्वायरमेंट है, ये है लिंक्वेस्ट टेलीकॉम लिमिटेड। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो शुरू करने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो नीचे बेल आइकन है सब्सक्राइब बटन के बगल में, उसको प्रेस करिए फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। और भी जो हम लोग आगे जो न्यूज़ देंगे, वो आपको नोटिफाइड होगा जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। प्लीज़ इसको फॉलो करिए, उधर पर इन डिटेल एलाबोरेटली दिया हुआ रहता है सब कुछ, और उधर में और भी ज़्यादा न्यूज़ मिलेगा आपको। आप हमारा फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करके आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। हाय माय फ्रेंड्स, सो आज का जो रिक्वायरमेंट है TI वेंडर, जैसे मैंने आपको बोला शुरू में, TI वेंडर इनहाउस टीम का रिक्वायरमेंट है। इनहाउस में रहेगा इंजीनियर, टेक्नीशियन एंड रिगर। जो टेक्नीशियन है वो दो बंदे चाहिए एक टीम में, और एक रिगर, एक इंजीनियर। इंजीनियर का जो क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री और डिप्लोमा। रिगर का मिनिमम 10 पास और टेक्नीशियन का 10 to 12 पास होना चाहिए। और रिगर जो टेक्नीशियन के लिए जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 3 to 4 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिगर का मिनिमम 1 ईयर रिगर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो टेक्नीशियन है, उन लोगों का जो टीम मेंबर है फुल, सबका फार्म टू के लिए रिक्वायरमेंट है। तो आपको मालूम है ये मैंडेटरी चीज़ है आजकल का प्रोस्पेक्टिव से, OHS का प्रोस्पेक्टिव से। आज जो टेलीकॉम में जो हादसा हो रहे थे पहले, वो कम करने के लिए सब नॉर्म्स है। टावर पर कैसे काम होता है, काम करना होता है, टावर क्लाइंबिंग कैसे होता है, वो ये फार्म टू के लिए ट्रेनिंग में दिलवाया जाता है टीम का मेम्बर्स को। ये ज़रूरी चीज़ है। TI वेंडर्स, आपके पास अगर इंजीनियर है, आपके पास टीम है जो एक पॉइंट्स को मैच कर सकता है, आपके पास प्रॉपर PPEs है, PPEs में तो आपको मालूम ही है क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, मस्ट है सेफ्टी शूज, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हेलमेट, ट्रिपलिंग जैकेट, ईयरबड्स, प्रोटेक्टिव ग्लास। ठीक है, आपको और ये सब जो चीज़ है सेफ्टी इक्विपमेंट्स, मास्क होना चाहिए। ठीक है ना, अभी तो कोविड के लिए मास्क, हैंड ग्लव्स, ये सब होना चाहिए। ठीक है, और ये जो चीज़ है सब इन स्टैंडर्ड होना चाहिए आपको। अगर फ्रेंड्स, मैं आपको और एक बात है, आपको अगर अलग से कोई न्यूज़, अलग से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए PPEs का रिक्वायरमेंट, PPEs का इन स्टैंडर्ड, तो हमें कॉमेंट में बताइएगा, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाकर आपको शेयर कर सकते हैं, उसमें आप एलाबरेट नहीं जाते। ठीक है, ये वेंडर्स जो आपको ये सब अगर रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हैं, आपका टीम उधर पे अवेलेबल है कर्नाटक एंड चेन्नई लोकेशन में, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है और लिंक्विस्ट कंपनी को और प्रोजेक्ट हुआ है भारतीय वोडाफोन प्रोजेक्ट, तो आप जो नीचे जो नंबर शो कर रहा है और नाम जो शो कर रहे हैं, इनसे आप बात करो। आपका कोई और भी कोई क्वेरी है, जानना है, तो इनसे बात करके क्लियर कर सकते हो। जॉब अप्लाई भी कर सकते हो इनको कॉल करके। इनका मेल आईडी भी नीचे मेंशन किया हुआ है, इस मेल आईडी पे आपका अपडेटेड CV भेज दो। आपका अपडेटेड CV भेज के अप्लाई कर सकते हो। मेरा सजेशन यही है, बिफोर कॉलिंग उनको एक बार आपका CV भेज दो, उसके बाद आप कॉल करो, बात करो। अगर आप इस लोकेशन से हो या आप विलिंग टू रिलोकेट इन दिस लोकेशन, तो आप ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदर्स जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस आप फुलफिल करते हो, तो फ्रेंड्स ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप लोग देख के आप लोग जॉब अप्लाई कर सकते हो। आपको जॉब का नीड है तो बहुत अच्छा है ये अपॉर्चुनिटी। ठीक है ना फ्रेंड्स, सो आज का जो हमारा जॉब न्यूज़ है, ये आज का एक ही न्यूज़ था हमारे पास जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट के ऊपर था। आप लोग देख के इनसे बात करके वो आगे गो अहेड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हमारा जॉब का न्यूज़ आज इधर पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर जॉब न्यूज़। और वही एक ही रिक्वेस्ट है हमारा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि मे भी आपको ज़रूरत ना पड़े, आपके पास जॉब हो, मगर जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जैसे हमारा टेक्नीशियन लोग होते हैं, जैसे रिगर लोग होते हैं, वो लोग तो कोई जॉब पोर्टल में जाके अप्लाई नहीं कर पाते हैं ना। एटलीस्ट यूट्यूब पे लोग दिखते ही होंगे, और यूट्यूब के थ्रू अगर ये न्यूज़ उनके पास पहुँचता है तो उन लोगों के लिए भी अच्छा होगा,
उनको जॉब मिलेगा, जॉब न्यूज़ उनको पास इंफॉर्मेशन जॉब के ऊपर, टेलीकॉम जॉब के ऊपर न्यूज़ उनको मिलता रहेगा, तो वो लोग उपकृत होते रहेंगे। तो अपना अगर आपके दौड़ आए और किसी को अच्छा हो तो क्या हर्ज है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स वंस अगेन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।